चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे हेयर मास्क की जो आपके बालों को डीप कंडीशनिंग देगा। होम रेमेडी है ये और आपके किचन में अवेलेबल इंग्रेडिएंट से बन जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको उसको बनाना दिखाऊंगी। और तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको दो रेमेडीज शेयर करूंगी जो कि आपके झड़ते हुए बालों को, मतलब कि आपके हेयर लॉस या फिर बाल्डनेस की प्रॉब्लम है उसके लिए भी अच्छा है, ड्राई फ्रिजी हेयर के लिए अच्छा है, आपके ग्रे हेयर के लिए अच्छा है। और साथ ही साथ इसमें दोनों रेमेडीज़ को किस तरह से यूज़ करना है मैं आपको बनाना दिखाऊंगी और किस तरह से लगाना है ये वो शेयर करूंगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पैन। पैन में हमने डालना है पानी, एक से डेढ़ गिलास के जितना हम पानी डाल देंगे। उसके बाद हमने डालना है यहाँ पर तीन से चार चम्मच के जितना अलसी। अलसी डाला है मैंने और उसके बाद इसको हम बॉयल कर लेंगे। और इसको बॉयल करेंगे तब तक जब तक कि इसका थोड़ा सा जेल नहीं बन जाता है। जब ये जेल बन जाएगा तब हम इसको बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। फ्लैक्स सीड जो होती हैं उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाया जाता है जो आपके बालों को नरिशमेंट करता है और हेयर फॉलिक्स को स्ट्रांग बनाता है, जिससे कि आपको बहुत ही जल्दी मींस फास्ट पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं आपके हेयर के ऊपर। फ्लैक्स सीड जेल आपके हेयर फॉलिक्स को स्ट्रांगर और हेल्दी बनाता है, जिससे कि आपका हेयर मास्क, अगर आप इसको वीकली ट्वाइस यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिलता है। इसमें बी विटामिन पाया जाता है जो आपकी ड्राइनेस को रिड्यूस करता है और हेयर को अनबिलीवेबल, मींस आप विश्वास नहीं करेंगे, इतना सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। फ्लैक्स सीड में सूदिंग इफेक्ट होता है। अगर आपको ईचिनेस है स्कैल्प में तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो इन्फ्लेमेशन होती है स्कैल्प में जिसकी वजह से हमें ईचिंग होती है उसको ये कम करता है। और अगर आप किसी भी तरह के फ्लैक्सिड यूज़ करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी इंक्रीज़ होता है, जिससे कि हमारा हेयर ग्रोथ बढ़ता है। तो ये डैंड्रफ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए जो अलसी का जेल है आप इसको इस तरह से बना सकते हैं, ठंडा होने के बाद आप छान सकते हैं और छानने के बाद आप इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। किसी भी कांच के कंटेनर में आप इसको फिल कर लीजिए और आप चाहें तो इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे ही स्टोर करके रख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ लेंगे अनियन मैंने लिया है, यहाँ पे प्याज लिया है। प्याज तो आपको पता ही है बाल्डनेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और आपके बालों को सिल्क स्मूथ करने के लिए भी अच्छा होता है। प्याज जो होता है वो रिच होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसमें और आपके हेयर को, हेयर लॉस को रोकता है। साथ ही साथ इसके बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं। इसमें सल्फर पाया जाता है जो आपके ब्रेकेज और थिनिंग, पतले होते हुए बालों को कम करता है, ब्रेकेज को कम करता है। एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपके स्कैल्प के इन्फेक्शंस फाइट करता है, आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करता है। और स्कैल्प की इन्फेक्शन जब कम हो जाती है तो आपका लॉस जो है, हेयर लॉस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। नेचुरली पोटेंट एंटी ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो कि रिवर्स करता है आपके प्री मेच्योर ग्रेइंग के इफेक्ट को, और साथ ही साथ ही आपके हेयर में शाइन भी देता है और परमानेंटली शाइन देता है। और लाइस, अगर आप अनियन जूस को यूज़ करते हैं तो आपको जुएं कभी नहीं होती हैं और हेड का कैंसर और नेक का कैंसर होने से भी बच जाते हैं। तो अनियन जूस आपके हेयर में वॉल्यूम बढ़ाता है और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होने की वजह से ये डैंड्रफ को भी फाइट करता है, आपके बालों में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, जिससे कि आपकी हेयर ग्रोथ होती है। एक प्याज हमने लेना है, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, उसका जूस निकाल लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिया है यहाँ पर बनाना लिया है हमने। ये आपके हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हेयर ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, हेयर को स्ट्रेटन करने के लिए भी अच्छा होता है, हेयर के जो फ्रीजीनेस और ड्राइनेस होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। ये आपके बालों को रिपेयर करता है, शाइनी और हेल्दी हेयर देता है, साथ ही साथ आपके हेयर फॉल की ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। सॉफ्ट बाल मिलेंगे, श्रिंकेज अगर आपके बालों में हो गई है तो उसको कम करता है, आपके बालों में स्ट्रेंथ देता है, हेयर स्ट्रेट करता है, नरिशमेंट देता है, आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्टअप करता है। और इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं जो कि है B1, B2, B3, B6, B9, B12, C, D, E, जो कि आपके हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है। ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जिससे कि आपके हेयर लॉस की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। सो यहाँ पे मैंने एक बनाना लिया है, राइप बनाना आपने लेना है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर। यहाँ पे 2 से 4 हिबिस्कस फ्लावर आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। और हिबिस्कस फ्लावर्स भी आपके बाल्डनेस की प्रॉब्लम को दूर करता है, आपके हेयर ग्रोथ को स्टिम्युलेट करता है, स्मूथ और शाइनी हेयर देता है,
क्लीन करता है आपके बालों को, जेंटली क्लीन करता है, आपके हेयर को कंडीशन करता है, आपके डैंड्रफ और स्कैल्प कीचिनेस को कम करता है, हेयर लॉस को कम्बैट करता है, प्री मैच्योर ग्रेइंग अगर हो रही है तो उसको कम करता है, हेयर ब्रेकेज को रोकता है, साथ ही साथ बहुत सारे और बेनिफिट्स हैं इसके, आपके बालों को, आपके स्कैल्प को हेल्दी रख के आपके नए बाल भी उगाता है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे हिबिस्कस फ्लावर्स लिए हैं, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है बनाना के साथ किया है, उसको हम अनियन जूस के अंदर मिक्स कर देते हैं और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे फ्लैक्सीड जेल जो हमने बनाया था, 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने डाला है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल जो कि आपके बालों के लिए अच्छा होता है। उसके बाद कोई भी आप हेयर ऑयल डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं होममेड हेयर ऑयल डाल रही हूँ जो कि 1 चम्मच डाल रही हूँ, तो आप कोई भी हेयर ऑयल डाल सकते हैं, कैस्टर ऑयल ज़रूर डालिएगा। ये सारे इंग्रेडिएंट्स अगर यूज़ करेंगे तो आपको बाल्डनेस की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके बाल सिल्की स्मूथ शाइनी होंगे। इसको हफ्ते में 2 बार ज़रूर यूज़ करिएगा। इसको यूज़ करने के लिए आप अपने बालों को क्लीन बालों पर लगाएंगे तो और भी ज़्यादा इफेक्ट आता है, तो आप इसको अपने बालों पर लगा सकते हैं, पहले स्कैल्प पे फिर रूट पे 1.5-2 घंटे के लिए रखें और फिर नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से इसको वॉश कर दें। उसके बाद आता है हमारा सेकेंड स्टेप, जिसमें हम बनाएंगे यहाँ पे हेयर को मजबूत करने के लिए, ग्रे हेयर को कवर करने के लिए एक ऐसा मास्क, एक ऐसा रिंस जो कि आपके बालों को काला करेगा। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ रोज़ पेटल्स, मेथी दाना, हिबिस्कस फ्लावर्स, ग्रीन टी लीव्स, ब्लैक टी लीव्स और घर की चाय पत्ती। तो ये 1-1 चम्मच मैंने सब ले लिया है। एक पैन लिया है मैंने, उसके अंदर मैंने 1-1 करके इन सबको डाल दिया है। इसमें हमने यूज़ किया है फेनुगिक सीड्स, जो फेनुगिक सीड्स हैं वो आपके बालों को स्मूथ और शाइनी बनाता है और एज ए कंडीशनर के जैसे काम करता है। जो भी हमने टीज़ यहाँ पे यूज़ की हैं, ब्लैक टी, ग्रीन टी, ये सारी टीज़ जो है आपके ग्रे हेयर को कवर करने के लिए हेल्प करती हैं। साथ ही साथ जो हमने हिबिस्कस फ्लावर्स यूज़ किए हैं, ये हिबिस्कस फ्लावर्स आपके बालों में कलर देने के लिए हेल्प करती हैं। तो इस तरह से जो भी हमने चीज़ें डाली हैं, जैसे कि रोज़ पेटल्स हैं, वो आपके बालों में मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा। ये सारे इन्ग्रीडियंट्स आपके बालों को, आपके बालों, आपके स्कैल्प को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। तो इस तरह से आपने इसका कॉन्क्शन बना लेना है, इसको उबलने दीजिए जब तक पानी आधा नहीं रह जाता है। उसके बाद जब आप हेड को वॉश करते हैं, मास्क लगाने के बाद जब आपने हेड को वॉश कर दिया, या फिर आप शैम्पू से जनरली वॉश करते हैं, तब भी आप इस रिंस को यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने बालों में इसको लगाना है शैम्पू करने के बाद, और उसके बाद आपने इसको छोड़ना है 15-20 मिनट के लिए और फिर नॉर्मल पानी से वॉश कर देना है। ऐसा आपने 2 से 3 बार करना है बालों को धोने के बाद, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इसमें 1-2 बूंद एसेंशियल ऑयल भी डाल सकते हैं, ताकि ये एक ऐसे हेयर सीरम या हेयर कंडीशनर के जैसे काम करे और आपके बालों को कवर भी करे, ग्रे बालों को ये कवर करता है। इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर एवरी वॉश आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और हेयर मास्क के बाद लगाएंगे तो भी अच्छा है, अदरवाइज़ नॉर्मल अगर आप शैम्पू कंडीशनर करते हैं तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये 2 रेमेडीज़ आप कंटिन्यू यूज़ करिए, आपके बालों में इफेक्ट दिखेगा। आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, साथ में दिए गए बेल बटन को भी दबाएं, ताकि आगे आने वाले अच्छे अच्छे वीडियोस को आप मिस ना कर पाएं। तो आगे मिलते हैं अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।